आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले कुछ फेरबदल के मद्देनजर की गई है। आपको बता दें कि करीब डेढ़ घंटे तक आज प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में विस्तार देखने को मिल सकता है। पिछले वक्त जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर और तमाम सहयोगी नेता जिस प्रकार मंत्री पद की गुहार लगाते नजर आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही फैसला करने का निर्णय लिया है कि अब कैबिनेट में विस्तार हो जाना चाहिए और दूसरे दलों के नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। आपको बता दें ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। इसी बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के ऊपर भी बातचीत की। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने एक मजबूत चेहरे को सामने लाने की बात की है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक बड़े चेहरे को और जिस प्रकार से आगामी 2024 के चुनाव हैं उनकी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाने की बातें की हैं। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी को हराकर भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए जीत हासिल की थी, जिसके बाद लगातार 2017 से लेकर और 2023 तक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपना जिम्मा संभाल रहे हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा और राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त कितनी अभी तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उसका जायजा भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2024 में जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हिस्सा लेंगे और इसके बाद राम मंदिर में पूजा अर्चना और तमाम वो जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 3 सालों से वहाँ पर काम चल रहा है और जोर शोर से काम के चलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के भव्य निर्माण की जानकारी साझा की है। इसी के साथ कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ में मुलाकात की थी और उस वक्त भी निश्चित तौर पर राम मंदिर के निर्माण पर जो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा उन्होंने वहां पर राज्यपाल को दिया था। इसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आने वाले चुनाव में 2024 को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कुछ सहयोगी दलों का के नेताओं का पिछले दिनों बयानबाजी सुनने को मिली, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारियां देकर उन्हें संगठन के रूप में शामिल सामने रखा जा सकता है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन।